अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। हल्द्वानी के कटघरिया में आयोजित शरदोत्सव में दूसरे दिन भी कई कलाकारों ने समा बांधा। वहीं गुलाबी शरारा गीत से पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले लोक गायक इंदर आर्य ने शानदार गीतों की प्रस्तुतियां दी। कड़ाके की ठंड में भी हजारों लोग शरदोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान इंदर आर्य के गीतों में लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। दूसरे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने शिरकत की। शरदोत्सव में महिलाओं के साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं उत्तराखंड के लोक गायक इंदर आर्य ने कहा कि अब वह दौर आ गया है जब उत्तराखंड में डीजे में उत्तराखंड के ही गाने बजेंगे, क्योंकि अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं, अपनी संस्कृति और लोक गायकी को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन आगे आ रहे हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मंच मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलके उत्तराखंड के लिए, तो अच्छा लग रहा है। पहले बहुत सारे हरियाणी और हिंदी पंजाबी गाने बजते थे, कुछ परसेंट कम हो गए। अभी हमारा डीजे नंबर अभी कम नहीं हो रहा, अभी हमने डीजे में बहुत काम करना है। अभी हमने बाहर के गाने कुछ भी नहीं बजाने उत्तराखंड के, हम मेरी ये सोच है कि हमने पूरे गाने उत्तराखंड के बजाने। क्या अपील है लोगों से भी अपने यहाँ के गानों को प्रमोट करें? हाँ जी हाँ जी, यही अपील है कि बस आप जैसे बाहर के गाने देखो मिलियन बिलियन से जाते हैं, 1,000 मिलियन, जब मैं सोचता हूँ कि हमारी भी पब्लिक बहुत है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर से भी हमारे उत्तराखंड के लोग बसे। मैं यही चाहता हूँ अगर कोई कलाकार अगर अच्छा काम कर रहा हो उसको सपोर्ट करो, अपने गाने को एक प्रमोट करो। अगर अच्छे लेवल पे गाना जाता तो ये कलाकार का ही नहीं होता, पूरे उत्तराखंड का नाम आता है उस पर। लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा, अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। धन्यवाद।